अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा ब्लॉग वीडियो है और मॉर्निंग से स्टार्ट है, आप इंजॉय कीजिए। चुके हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ अपनी सफाई करने के लिए। मैं झाड़ू लगाना शुरू हो गई हूँ। आपको अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आपको जल्दी से जल्द और सबसे पहले देखने को मिले। चलिए अब आ गए हम किचन में और बर्तन वॉश करते हैं पहले, और आप इंजॉय करते रहें, लगातार बने रहें। इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, एक बर्तन का काम और एक कपड़ों का काम, ये हमेशा रहता है लगातार, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। जबकि मेरी फैमिली इतनी छोटी है तब भी इतने ज़्यादा बर्तन हैं, आप देख सकते हैं। और ये सुबह सुबह के बर्तन हैं। बर्तन वॉश हो चुके हैं अच्छे से, किचन हो चुका है क्लीन। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा किचन अच्छे से मैंने समेट दिया है। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ तो अभी आपको दिखाती हूँ। मैं आज बनाऊँगी मैं मटन आलू का सालन, आज इसी को बनाएंगे और इसी की रेसिपी दिखाएंगे हम आज के ब्लॉग में। तो इसकी कर लेते हैं हम कटिंग, इसको छोटा छोटा पीसेस में कट करेंगे, क्योंकि बच्चों को छोटे छोटे पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको बहुत छोटा छोटा कटिंग कर लूँगी। प्रॉपर रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने बहुत बार दिखाई है। और ये सारे बेसिक मसालों से ही हम बनाने वाले हैं इसको, कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें यूज़ नहीं करेंगे। मुझे सिंपल खाना और बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मसाले वसाले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है।
तो ये मैंने सारे इसमें बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया सारी चीज़ें ऐड करके रख दिया है। और इधर मैं आटा लगा लेती हूँ। ये मैंने आटा छान लिया था पहले ही, और ये सबसे पहले मैंने नमक ऐड कर लिया और इसको मैं भून के और एक साइड रख दूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए, फिर मैं रोटियाँ बना दूँगी। दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, ऐसे काम जल्दी हो जाता है। जैसे मैं अकेली हूँ तो मैं इस तरीके से ही काम करती हूँ, सारे काम मेरे बराबर बराबर चलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना भी बना रही होती हूँ और कपड़े भी मेरे वॉश हो रहे होते हैं, और बीच बीच में मैं अपने सफाई का काम भी कर देती हूँ। तो इस तरीके से कुछ मेरा रूटीन रहता है डेली का। इधर हमारा सालन देख लेते हैं खोलकर। तो ये गल चुका था मटन, अब इसकी भुनाई करेंगे। तो इसके लिए हरी मिर्ची और प्याज कट करके रखी थी, वही इसमें ऐड कर देते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। ये मैंने खलबत्ते में कूटा है, मिक्सर में नहीं, मैंने ग्राइंड किया था। और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं भुना हुआ ज़ीरा आधी चम्मच। मटन आधा के जी था इसलिए मैंने आधी चम्मच ऐड किया है। और इसकी भुनाई भी हो गई अच्छे तरीके से, ये देखिए। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आलू, क्योंकि बिना आलू के तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ऐसी चीज़ें, आलू की वजह से इसको खा लेते हैं। और जो फ्रेंड मेरे ये चीज़ नहीं खाते हैं प्लीज़ इग्नोर करना। ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना यम्मी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब बना लेते हैं रोटी। सारा काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। रोटी मैंने सबसे लास्ट में बनाई थी, बीच में मैंने पोछा कर लिया था जब मेरा सालन बन रहा था। तो पहले मैं रोटी बना रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चले पोछा लगा देती हूँ पहले, फिर रोटी बनाने के बाद फ़ौरन खानी होती है, तो इसीलिए सारा काम मैंने पहले ही निपटा दिया था। और मैं आज दिखाऊंगी मैं कौन सी ड्रेस पहनी है। मैंने जो स्टिचिंग की थी ना, खुद से ही मैं स्टिच कर लेती हूँ कपड़े, तो वही मैंने एक पहना है उसमें का, जो मैं लेकर आई थी आपको दिखाया था मैंने पिछले ब्लॉग में। तो अब खाने लगे हैं खाना, आप भी आ जाइए खाना खा लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो वॉच करने का। अल्लाह आप सबको भी कामयाब करे और मुझे भी। तो चलिए खाना भी हमारा हो ही चुका है, तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी ड्रेस जो मैं लेकर आई थी ना, उसमें का ये एक मैंने ये पहना है, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। बाकी ड्रेसेस मैं किसी दिन वीडियो में आपको प्रॉपर सारी ड्रेसेस दिखा दूंगी। ये देखिए शबाना सिस्टर देख लीजिए, आप बोल रही थी ना स्लिप्स कैसी हैं, मुझे समझ नहीं आया था, तो मैं दिखा रही हूँ इस तरीके की स्लिप्स हैं और ऐसा ये फ्रॉक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।